हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ गौरव शर्मा और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं कुछ वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा जो आई है आर्मी पब्लिक स्कूल से, और यहाँ पे इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी गई है इस फॉर्म के लिए। देखिए, जो रजिस्ट्रेशन डेट हो रही है, स्टार्ट हो रही है 1 अक्टूबर से, और रजिस्ट्रेशन की जो एंड डेट है वो है आपके 20 अक्टूबर। एडमिट कार्ड अभी डेट नहीं है और रिजल्ट डिक्लेरेशन की भी कोई डेट नहीं आई है। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है इस गाइडलाइन पर, और गाइडलाइन पर आपको ओके करना है, जिससे आपके पास एक PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो गाइडलाइन पर ओके करने पर एक PDF आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएंगी, जिसके बाद इसको आप ओपन करके देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये जो वैकेंसी है इसमें 8000 टीचर के लिए वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। तो टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, 8000 है, 8000 है, और यहाँ पे 137 आर्मी पब्लिक स्कूल में ये वैकेंसीज़ आई हुई है। तो चलिए थोड़ा डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले आपका एक एग्ज़ाम होगा, स्क्रीन एग्ज़ाम उसको बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इंटरव्यू होगा, और थर्ड स्टेप में आपको क्या होगा, इवेल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफेंसीज के बारे में, ठीक है। तो तीन स्टेप यहाँ पे होंगे, इंटरव्यू होगा, इवेल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल होगा, और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा, ठीक है। इसके बाद कैटेगरीज देख लेते हैं टीचर की। तीन तरह कैटेगरी यहाँ पे है, PGT, TGT, PRT, ठीक है। तीन तरह की एक कैटेगरी है, और PGT के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए सब्जेक्ट में किसी में, और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और साथ में आपके पास BEd भी होना चाहिए जिसमें 50% मार्क्स हो। इसके बाद अगर बात करें TGT की, तो TGT में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ में BEd होना चाहिए, ठीक है, 50% मार्क्स के साथ। इसके बाद बात करें अगर हम PRT की, तो PRT में ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद BEd या फिर 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद एज लिमिट की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें जो आपके फ्रेश कैंडिडेट है, जो कि अभी एक्सपीरियंस उनको नहीं है, तो उसके लिए जो बिलो 40 ईयर और ऐसे कैंडिडेट जिनका एक्सपीरियंस है, उनके लिए 57 ईयर से कम एज होनी चाहिए, ठीक है। एक बात यहाँ पे और नोट कर लेनी चाहिए कि यहाँ पे जो सी टेट है वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो सी टेट हमको नहीं चाहिए। इसके बाद ये कुछ चीज़ें दी गई है कि कैसे आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जैसे TGT PGT की बात करें, तो यहाँ पे 2 पार्ट में ये पेपर होगा, एक में जनरल अवेयरनेस वगैरह आएंगी और दूसरे में आएगा आपका सब्जेक्ट। तो 90-90 मार्क्स के ये दोनों सेक्शन रहेंगे, और टोटल हो जाएगा आपका 180 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसी तरह PRT का होगा आपका, ये 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स हो गए आपके 90, और PGT TGT के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपके हैं 180। अगर हम आगे चलें तो अगर इसकी फ़ीस की बात की जाए, तो फ़ीस है यहाँ पे 500 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। तो 500 रुपीज़ इसके लिए फ़ीस रखी गई है। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। तो उसकी लास्ट डेट कितनी है, 20 अक्टूबर। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर फिर से उन्होंने डेट को बताया कि 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक डेट है ये। इसके बाद क्या है, एडमिट कार्ड आपके 4 नवंबर तक आएंगे, टेंटेटिव है। एग्ज़ाम आपका 21 से 22 नवंबर को होगा, और पब्लिकेशन होगा रिजल्ट 2 दिसंबर को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये यहाँ पे है लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल, किस किस में वैकेंसी आई है। तो टोटल 137 स्कूल है जिसमें ये वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है। जो आपके आर्मी स्कूल है पूरे इंडिया में लोकेटेड हैं, तो सभी स्कूल में वैकेंसीज आई हुई है, और ये 137 स्कूल में वैकेंसी है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है जिसमें वैकेंसी आई है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, संस्कृत, हिस्ट्री, जिनके सामने टिक लगा है उसमें वैकेंसी है, और जिसके सामने डैश है उसमें कोई वैकेंसी नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये हैं आपकी एग्ज़ाम सिटीज़, इनको आप देख सकते हैं, जो आपके नियर बाई हो उस एग्ज़ाम सिटी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी एग्ज़ाम सिटी यहाँ पे दी गई है,
तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब था वैकेंसीज़ के बारे में जो है हमारी आर्मी पब्लिक स्कूल से आई हैं वैकेंसीज़। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस फॉर्म को भरने के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा न्यू यूज़र के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। तो ये था आर्मी स्कूल के बारे में जिसमें वैकेंसीज़ आई है, ये अबाउट 8000 वैकेंसी आई है। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।